अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का प्रॉब्लम नंबर है 10.19। इसमें हमने दो वेरिएबल को वैल्यूज़ देनी है और उनको आप एक्सचेंज करना है। फर्स्ट करें, अगर आप ए को 10 वैल्यू दें और बी को आप 20 दे दें, तो हमने इस तरह का प्रॉब्लम तैयार करना है जिसमें बी की वैल्यू जो 20 वो ए को मिल जाए, यानी ए 20 हो जाए और ए की जो वैल्यू 10 है वो बी को मिल जाए, बी इक्वल टू 10 हो गया। तो ये हमने एक्सचेंज करना है इन वैल्यूज़ को, ठीक है। और इस तरह तो इसके लिए हम प्रोग्राम तैयार करते हैं। इसके लिए हम दो तो वेरिएबल लेंगे जिनको हमने वैल्यूज़ देनी है, जिनकी वैल्यू हमने एक्सचेंज करनी है, और एक हम अजाफी वेरिएबल लेंगे। कोई भी ले सकते हैं, मैं एक्सचेंज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। इसमें ये मैंने बड़ा लिखा एक्सचेंज का। तो सबसे पहले आप ए और बी को हम वैल्यू इनपुट करेंगे। इंटर टू नंबर्स, स्कैन एफ, दोनों को मैं इकट्ठी वैल्यूज दे रहा हूँ एक ही फंक्शन के अंदर, एक स्कैन एफ फंक्शन के अंदर। तो ये परसेंट डी लगाऊंगा मैं ए के लिए, स्पेस के बाद ये परसेंट डी लगाऊंगा बी के लिए, एंड ए एंड बी दोनों को मैंने वैल्यू इनपुट कर दी। फर्स्ट करें, मैंने ए को वैल्यू यहाँ दी है 10 और बी को मैंने दी है 20 इस फंक्शन की मदद से, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए सारा स्टेप कर रहा हूँ इधर। इसके बाद सबसे पहले मैं इन वैल्यूज़ को जो मैंने दी हैं उनको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यानी एक्सचेंज होने से पहले। वैल्यूज़ बी4 एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज होने से पहले वैल्यूज़ सेशन ब्रैकेट बंद। मैं ये मैसेज लाऊंगा स्क्रीन पे, इसके बाद मैं प्रिंट करूंगा ए इक्वल टू डबल कोट्स ए इक्वल टू परसेंट डी, ए की वैल्यू, इसके बाद प्रिंट एफ बी इक्वल टू परसेंट डी बैक स्लैश एन बी की वैल्यू, यानी दोनों को मैं डिस्प्ले करवा लूँगा, यानी ये आ जाएगा आपका आउटपुट इस तरह। ए इक्वल टू आ जाएगा 10 और बी इक्वल टू आ जाएगा 20। इस स्टेटमेंट से ये आपका आएगा, इस स्टेटमेंट से ये आपका ये आएगा। अब मैं एक प्रोसीजर चलाता हूँ इन वैल्यू को एक्सचेंज करने के लिए। तो जो एक्सचेंज वेरिएबल मैंने लिया हुआ है उसको मैं लाऊंगा यहाँ, एक्सचेंज लिखूंगा और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूँगा ए की, यानी जो ए की वैल्यू है हमारे पास 10 है वो एक्सचेंज के अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी कि एक्सचेंज आपका हो जाएगा 10, ठीक है। ए की वैल्यू 10 है वो एक्सचेंज में आ गई, यानी एक्सचेंज को टू 10 हो गया इस स्टेटमेंट से। इसके बाद मैं ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर करूँगा, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 20 है, वो किसके अंदर आ गई 10 के, ए के अंदर 20 इस स्टेटमेंट से, ठीक है। इसके बाद जो बी है उसमें मैं एक्सचेंज की वैल्यू अब ले आऊँगा, एक्सचेंज की वैल्यू क्या थी 10, वो किस में आ गई बी के अंदर 10। अब देखें ये एक्सचेंज हो चुकी, तो ए वैल्यू 10 थी वो अब ए इक्वल टू 20 हो चुकी है,
और बी इक्वल टू 20 थी और बी इक्वल टू 10 हो चुकी है। ठीक है, यानी ये दोनों वैल्यू आपकी इस स्टेप में एक्सचेंज हो चुकी हैं। अब हम एक मैसेज लाएंगे स्क्रीन पे, सबसे पहले वैल्यूज आफ्टर एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज होने के बाद वैल्यूज ट्रबल कोट्स। सबसे पहले ए की वैल्यू ए इक्वल टू परसेंट डी ए, इसके बाद बी की वैल्यू बी इक्वल टू परसेंट डी बी, इसके बाद गेट फंक्शन और इसके बाद हमारा ये प्रोग्राम क्लोज। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 10, ये हमारा आउटपुट आएगा। और हमने जो वैल्यू इनपुट की थी वो ये की थी। अब देखिए ये दोनों एक्सचेंज हो चुकी हैं, ए की वैल्यू 10 थी वो बी 10 हो चुकी है, और बी की 20 थी वो अब ए को मिल के ए 20 हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जितनी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।